शाइन ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशन कर्नाटक बिदार थेके एक प्रोजेक्ट नेवा हुए जेटा हे 10,000 स्टूडेंट्स के तादेर के हाफेज जरा पास कर तादेर के मेन स्ट्रीम एडुकेशन मध्य आना ये मेन स्ट्रीम एडुकेशन जरा मूलधारा शिक्षार साथे जुक्त छिलो ना से हाफेजगुलो के मूलधारा शिक्षार साथे एने एनआईओएस एर माध्यमे तादेर के ब्रिज कोर्स 18 मासेर कोर्सेर माध्यमे 10th पास कर अर्थात माध्यमिक पास करानो हबे तारपरे तादेर हायर एजुकेशनेर दिके जावा हबे एबं तारा एई হাফেজের সাথে সাথে এই ডিগ্রিটার সাথে সাথে তারা বিভিন্ন যেই পেশা রয়েছে আইনজীবী যদি কেউ লয়ার হতে চায় সেদিকে যেতে পারবে সে যদি নিট দিয়ে ডক্টর হতে চায় সেদিকে যেতে পারবে বিজনেসম্যান হতে পারবে কর্পোরেট সেক্টরে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারবে এবং দেশ এবং দশের সেবায় তারা আরও ভালোভাবে কাজ করবে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে একটা ট্রেন্ড চলছে যে ট্রেন্ডটা হচ্ছে যারা হাফেজ হচ্ছে তারা মূলত মাদ্রাসা মক্তবগুলোতেই রয়েছে এবং তাদের ওইটুক নিয়েই তারা তাদের জীবনযাপনকে সঙ্গী করে একটা জীবন পার করে এই পৃথিবী থেকে আমরা বিদায় নিচ্ছি ঠিক এরকম একটা জায়গা থেকে যখন হাফেজরা একটি কোরআনকে এই বুকের মধ্যে ধারণ করা তারপরে যেই মেধা তাদের রয়েছে নইলে কেন ধারণ করতে পারবে সেই মেধাটার উপযুক্ত ব্যবহার করে দেশ এবং জাতির উন্নতির জন্য এই প্রজেক্টটা নেওয়া হয়েছে এই প্রজেক্টটা এআই সিআই আইস একাডেমিক ইনসেন্টিভ কেয়ার ইউনিট আই হোপ সো স্যার রাইট এখান থেকে টিচারদেরকে দেওয়া হচ্ছে প্রতিটা মাদ্রাসা দর্শন করে টিচার পাবে এবং এই টিচারের যে ইন্তেজাম ব্যবস্থাপনা এটা শাইন গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনস থেকে করানো হবে সেখান থেকেই তাদের বেতন দেওয়া হবে এর আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ শাইন গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনস বিদার কি তরফ সে এক বহুত হি খুসুসি प्रोजेक्ट शुरू किया गया है उसके तहत इंडिया भर के 5,000 स्टूडेंट्स को हुफाज को एनआईओएस के ज़रिए 18 महीने में 10th पास कराया जाएगा शाहीन ग्रुप में ये हिफ्ज़ुल कुरान प्लस के नाम से गुज़िश्ता 12 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कई स्टूडेंट्स को हम मेन स्ट्रीम एजुकेशन में जोड़ने में कामयाब हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भेजने में कामयाब हुए बल्कि यहाँ तक के एम्स भोपाल में एक ऐसा ही हाफिज मेडिकल कोर्स कर रहा है अब 5,000 हुफाज को हम इंडिया भर से सेलेक्ट करेंगे और बड़े दीनी मदारिस जहाँ पर गुंजाइश है जगह है वहाँ पर 100-100 हुफाज को रखेंगे मदरसे की जिम्मेदारी होगी कि वो स्टूडेंट्स की तरबियत करें उनको हिफ्स के दौर का इंतज़ाम करें उनको ज़रूर दीनी तालीम पढ़ाएं और रहने खाने का इंतज़ाम करें शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कुछ एनजीओ की मदद से टीचर्स का वहाँ पर अपॉइंटमेंट करेंगे टीचर्स की सैलरी देंगे एग्जामिनेशन फीस का इंतज़ाम करेंगे बुक्स का इंतज़ाम करेंगे और इस तरह से 5,000 हुफाज को सिर्फ 18 महीने में 10th पास कराएंगे इसका हमको तजुर्बा है 12 साल से ऐसे हुफाज जो कभी स्कूल नहीं गए थे मॉडर्न एजुकेशन से बिल्कुल ही नाबलद है उनको हम AICU हमारा एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट एक स्पेशल डिपार्टमेंट है शोभा है जहाँ पर 1:6 के रेशो के हिसाब से टीचर एक टीचर के पास 6 स्टूडेंट्स होते हैं और हर एक की बेसिक मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस को 2-3 महीने में ठीक करके उनको 10th पढ़ाया जाता है एक कामयाब तजुर्बा है इसको हम आम करने की कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वैसे हमारा टारगेट 50 का था लेकिन अब 58 ऐसे मदारिस हमारे साथ जुड़े हैं और वहाँ पर ये काम हो रहा है इसके लिए उलमा इकराम सरपरस्ती कर रहे हैं हिंदुस्तान के मारूफ बड़े उलमा इकराम मौलाना अरशद मदनी साहब मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी साहब मौलाना महमूद मदनी साहब के अलावा तमाम उलमा इकराम इसकी सपोर्ट कर रहे हैं और उनके अपने मदारिस में भी ये सेंटर को मदरसा प्लस के नाम से ये नई तहरीक जो हमारी शुरू हुई है इसके सेंटर को कायम करने का मंसूबा है ये वहाँ पर हुफाज को हम पहले तरबियत देंगे उनकी बेसिक मैथमेटिक्स को ठीक करेंगे लैंग्वेजेस को ठीक करेंगे और उसके बाद वहाँ पर 6 असातिज़ा ये हुफाज को 10th के सिलेबस को पढ़ाने के लिए मजबूर रहेंगे बाकी 4 असातिज़ा उस स्कूल के उस मदरसे के तलबा को मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस पढ़ाने में मसरूफ़ हो जाएंगे हम हर मदरसे को 10 टीचर्स दे रहे हैं
ट्रेन टीचर जो बीदर में AIC को पढ़ाने की ट्रेनिंग होगी वो ट्रेंड होंगे। इसका तकरूर हो गया है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की मदद से हम एक बड़ा कंपेन चलाए हैं और 500 टीचर्स का सिलेक्शन कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें मुस्तहिक तुलबा को यानी इमदादी तुलबा को 100% फ्री रहेगा, हर चीज़ फ्री रहेगी। और वो तलबा जो ज़कात के मुस्तहिक नहीं हैं उनको महाना 3,000 रुपये फ़ीस ली जाएगी। इसमें लड़कियों के लिए 4 बड़े सेंटर्स कायम किए गए हैं जहाँ पर 100-100 की गुंजाइश है, जहाँ पर हाफिज़ा और आलिमा को मौका दिया जाएगा। एक सेंटर है रामपुर में जामतुस सालिहात, इसी तरह हैदराबाद में एक सेंटर है, किशनगंज में एक सेंटर है और आज़मगढ़ में भी एक सेंटर कायम किया गया है। इसके अलावा मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी साहब की सरपरस्ती में 3 सेंटर ऐसे बनाए जा रहे हैं जहाँ पर 13 साल से कम उम्र के हुफाज को लिया जाएगा, 50-50 हुफाज को लेंगे और वहाँ पर 5 साल का कोर्स होगा दीनियात के साथ। उनको 12th पास कराने की हम कोशिश करेंगे और 12th पास कराएंगे और उनको 5 साल के बाद बड़े दीनी मदारिस में भेजने का हमारा मंसूबा है। बीदर में 10th पास, 12th पास और डिग्री पास उलमा और हुफाज के लिए मौका रखा गया है, जिसके लिए 200 नशिस्तें तय किए गए हैं। 10th पास हुफाज को उनकी बुनियादें ठीक करके, उनके बेसिक ठीक करके उनको 11th में बैठने के समझने के काबिल बनाया जाएगा और उनका सिलेबस, उनका तालीमी दौर आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से 12th पास हुफाज और उलमा को उनकी बुनियादें ठीक करके बेसिक के साथ उनको पढ़ाकर उनको डिग्री में एडमिशन के काबिल बनाकर डिग्री का कोर्स कराया जाएगा। और इसी तरह जो डिग्री पास हैं उलमा और हुफाज, उनको उनका बेसिक ठीक करके, उनकी बुनियादें ठीक करके उनको BEd, CPed, BPed और दीगर कोर्सेस में एडमिशन के काबिल बनाकर, बल्कि उनको टीचर बनाकर फिर से मदरसों में उनका तकर्रुर करेंगे। उनको AICU के मैथमेटिक्स के और इंग्लिश के टीचर बनाने का ये हमारा मंसूबा है। और ऐसे हुफाज जो 12th पास हैं उनको 1 साल का फाउंडेशन कोर्स कराया जाएगा जो इसी साल बीदर में कामयाबी के साथ चल रहा है। प्री नीट के नाम से 1 साल का कोर्स शुरू किए हैं। ऐसे हुफाज और उलमा इकराम जो 12th पास हैं साइंस से, उनको प्री नीट का 1 साल का कोर्स कराकर फिर 11th-12th साइंस से कराकर उनको नीट रिपीट कराकर उनको MBBS, BDS, नर्सिंग, फार्मेसी वगैरह कोर्सेज में एडमिशन के अहल बनाने की हमारी कोशिश है। इसके लिए हमसे अप्रोच कर रहे हैं, कॉलेजेस के जिम्मेदार भी अप्रोच कर रहे हैं। गुलबर्गे से एक डेंटल कॉलेज है अल बदर कॉलेज, जिनके जिम्मेदार आए और ये प्रोग्राम को पसंद करके ऑफ़र करे हैं कि हम ऐसे हुफाज को सालाना 5 सीट फ्री देंगे, रिहाइश के साथ, खाने के साथ फ्री सीट देंगे। और उनके पास और भी कोर्सेस हैं वो भी ऑफ़र कर रहे हैं। तो हम ऐसे इंस्टीट्यूशन को मदरसा प्लस एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट में शामिल कर रहे हैं और मुल्क भर के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से ख्वाहिश कर रहे हैं कि वो अपना अपना ऑफ़र दें और हुफाज को कुछ उनको खसूसी रियायत के साथ एडमिशन करें। ऐसा हो जाएगा तो यकीनन हुफाज के लिए भी सहूलत हो जाएगी और मदरसों में भी, उनके स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशन में भी बरकत आएगी और एक नया ट्रेंड शामिल हो जाएगा। ये आज वक्त की अहम तरीन ज़रूरत महसूस हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भरपूर तआवुन मिल रहा है, मदरसे के अहबाब आगे बढ़कर इसको सपोर्ट कर रहे हैं। 20 मई से क्लासेस शुरू हो रहे हैं, इनरोलमेंट का काम अभी स्टार्ट हो गया है। shaheengroup.org हमारी वेबसाइट पे हुफाज इनरोलमेंट कर सकते हैं और सारी डिटेल वहीं उसी वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। कितना मदरसा में इशू रहेगा? ये 58 मदरसे अभी हम इनरोल किए हैं, 50 का टारगेट था लेकिन ख्वाहिशमंद ज़्यादा होने की वजह से 58 मदरसों में ये काम शुरू हो रहा है और हर मदरसे में 100 हाफिज़ों को रखेंगे। कौन कौन से मदरसे? ये लिस्ट अभी हम देंगे आपको। मौलाना अरशद मदनी साहब के 2 मदरसे हैं बेंगलोर में, मौलाना मकसूद इमरान साहब के मदरसे हैं, बड़े मदरसे हैं जहाँ पर जगह ज़्यादा है, बच्चों के लिए खेलने के लिए गुंजाइश है, रहने के लिए अच्छी सहूलतें हैं। वैसे ही मदरसों को हम इन द बिगनिंग सेलेक्ट करें। मगरबी बंगाल में हुदा स्कूल एक है, मौलाना
रोशन जमीर साहब का मदरसा हाशमिया, हाशमिया में 100 हफ्फाज को रखने का मंसूबा है। मदरसे अशरफुल उलूम, अशरफुल उलूम में 100 हफ्फाज को रखेंगे। आप लोग एक एक हाफिज तक ये मैसेज ज़रूर ज़रूर पहुँचाइए।